जय जिनेंद्र। डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है। वेडनेसडे 7 जुलाई 2022 के लिए, थर्सडे 7 जुलाई 2022 के लिए निफ्टी स्पॉट, बैंक निफ्टी स्पॉट ऑप्शन डेटा एनालिसिस करेंगे के 7 तारीख को कैसे डाटा रहेंगे। और लोग डाटा एनालिसिस में आज फेड की मीटिंग है रात को, और उसके ऊपर कल मुझे लग रहा है बहुत बूम करके खुलेगा और फिर सेकंड हाफ के बाद करेक्शन प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। तो चलिए डाटा एनालिसिस करते हैं। आप देख सकते हो 6 जुलाई की डाटा है 7 जुलाई 2022 के लिए। यहाँ पर पोजीशन एफआई ने अपने वाइंड अप की है, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो शॉर्ट से 87,556 आ गए। और प्रो ने 22,014 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, अब वो 29,184 आ गए शॉर्ट में इंडेक्स फ्यूचर में। और कॉल साइड में देखिए तो एफआई ने 22,656 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं कल के लिए, और प्रो ने 1,85,330 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, यानी 2,44,000 वो कल तक शॉर्ट थे, आज उन्होंने बाई करके सिर्फ 59,000 ही कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रखे हैं। ये दो पॉइंट पकड़िए। दूसरा, क्लाइंट कल तक 1,90,000 कॉल बाई थे और सडनली आज उन्होंने सेल कर दिए 2,07,986, यानी नेट बेसिस पे 17,443 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए। अब चलते हैं इंडेक्स पुट का, देख लीजिए मेन जो है मैं वो बता दे रहा हूँ, मैंने वीडियो शॉर्ट हो। क्लाइंट ने 3,22,878 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में लॉन्ग किए फर्स्ट टाइम, नहीं क्लाइंट जनरली बेचता है, आज फर्स्ट टाइम वो बाई किए हैं, और नेट बेसिस पे वो 1,84,405 कॉन्ट्रैक्ट पुट का बाई में। इसी वजह से आज बाजार ऊपर की ओर ले गया, क्यों, इन लोगों ने पुट लिए है, बोले बाजार को टाल, यही मेन वजह ये है। और एफआई ने 38,503 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, यानी उनके लॉन्ग पोजिशन थी पुट की, उसमें से उन्होंने घटा दी है 38,000 कॉन्ट्रैक्ट, अब 1,48,000 अभी भी इंडेक्स पुट में लॉन्ग चल रहा है। प्रो ने 2,84,375 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, यानी तेजी खेले प्रो कल के लिए, तो नेट बेसिस पे वो 3,65,408 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में शॉर्ट है, यानी तेजी खेले। तो आज फेड की रात को मीटिंग है जून के फेड मिनट आने के लिए, तो उसी के चलते कल मुझे लग रहा है प्रो को कोई भनक आ गई है, इसलिए उन्होंने शॉर्ट किया, लेकिन उन्होंने हेज भी किया, उनको लॉस नहीं होगा यदि नीचे की ओर भी खुलता है तो, कि उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया अच्छे कॉन्ट्रैक्ट, उसके सामने हेज कर दिया पुट बेच के। तो मुझे लग रहा कोई गुड न्यूज़ आना चाहिए, उस बोल के कल बाजार ऊपर की ओर खुलना, तो ऊपर की ओर होना चाहिए, उसके बाद टिकेगा नहीं सेकंड हाफ के बाद, तो उसी के लिए पुट ये प्रो बेच के गए। और एफआई ने भी अपने कॉल लॉन्ग किए और पुट भी कम किए 38,000, और निफ्टी भी कम किए, इंडेक्स फ्यूचर भी कम किए एफआई ने शॉर्ट में से। तो कल बाजार तो गैप अप भी खुलना चाहिए मेरे हिसाब से, इन लोग के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी तो गैप अप खुले तो अपने वेट करके, अपने को तो मौका नहीं मिलेगा, अपने को फिर पुट लेना है तो पुट लेंगे, और या तो ऊपर के भाव में कॉल बेचेंगे। तो चलिए आप स्लाइड्स की अपने और एफआई के डाटा भी देख लेते हैं। तो ये समरी थी, अब देखते हैं एफआई के डाटा केस में क्या है फिगर। ये एफआई के डाटा है, देखिए आज 4,631 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में बाई किए करोड़ का, और 2,893 करोड़ का माल इंडेक्स में सेल किए, नेट बेसिस पे 1,738 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में बाई किए एफआई ने, और कैश में 330 करोड़ का ही माल बेचे है। और डीआई ने 1,464 करोड़ का माल लिया, उसके सामने करंट प्रो अदर्स ने 1,134 करोड़ का माल बेचे होंगे। यदि आपको डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अब चलते हैं स्लाइड्स की ओर, वहाँ पर लेवल नोट कर लेंगे। मेरे लेवल पर ट्रेड लेने से पहले डिस्क्लेमर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से पढ़ें, और मेरे लेवल पर ट्रेड लेने से पहले आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही मेरे लेवल पर ट्रेड करें। यदि आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो इसका जिम्मेवार मैं और मेरा चैनल नहीं है।
थर्सडे 7 जुलाई 2022 के लिए निफ्टी स्पोर्ट जहां बड़े हुआ 16,080 के पास बेचिए, सपोर्ट 15,910, 15,807 और रेजिस्टेंस 16,173। यदि हो सके और ऊपर खुल जाए 16,150 के पास तो वहां निफ्टी बेचना चाहिए और थोड़ा देरी वेट, क्लोजिंग दे दे 16,180 के ऊपर तो काट के जाइएगा, नहीं कर शॉर्ट करके जाइएगा, पैसा मिलेगा, कल ही इंट्राडे में मिल जाएगा। 180 के ऊपर क्लोजिंग दे तो काट दीजिएगा क्लोजिंग बेस। ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज में 20 डे तो पार कर दिया आज, क्लोजिंग दे दिया 50 डे 16,140 और 16,150। जो मैं आपको बोल रहा हूँ 16,150 माने 16,180 के ऊपर बंद है तो निफ्टी को काट के चले जाइएगा, नहीं तो जहाँ ऊपर में मिलक धर दीजिएगा, 10-15 मिनट देख कर धर दीजिएगा, आपको पैसा अच्छा से अच्छा 150-200 पॉइंट मिल सकता है। थर्सडे 7 जुलाई 2022 में निफ्टी 16,100 का कॉल नेक्स्ट वीक वाला है, नोट कर ले। जहाँ घटे हुए 105 के पास लीजिए, लेकिन गैप अप खुलेगा तो कोई सवाल ही नहीं है डीप होने का, तो 105 के पास लीजिए, सपोर्ट 78,65, 61,50। अब ऊपर में रेजिस्टेंस 161-190 तक जा सकता है, सेल रेंज 190 से 225 के पास रखेगा और स्टॉप लॉस 250-260 के आसपास रखेगा, यानी 30-40 पॉइंट का, 225 के पास बेचते हो तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए और 190 के पास बेचोगे तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये आप देख लेंगे। This live video is for education learning purpose only. Thursday 7 July 2022 के लिए Nifty 16100 का put next week वाला, जहां बड़े हुआ 285 के पास बेचिए, सपोर्ट 195-171-140, बाइंग रेंज रहेगा 122 से 100 के बीच में, 122 तो थोड़ा दूर हो जाएगा, 140 से 120 का रेंज में आप ले सकते हो put कल। यदि गैप अप खुलेगा तो ये नीचे खुल जाएगा, तो 140 से 122 का रेंज में लीजिए और ऊपर में रेजिस्टेंस 341 तक जा सकता है कल के डेट में, तो आप सोच समझ के लीजिएगा और स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, 80 रुपये का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, क्यों 140 से 120 100 का रेंज, माने 140 से 100 का रेंज के बीच में कहीं लेना है और 80 रुपये का स्टॉप लॉस, यानी 40-50 मिनट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 300 रुपये तक रहेगा। और इनकेस बढ़, यदि थोड़ा बाजार गैप डाउन खुल जाए तो आपको मौका मिले तो ऊपर के भाव में बेचेगा 285 के पास या 310 के पास और 340 का स्टॉप लॉस लगा के। थर्सडे 7 जुलाई 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट, जहां बड़े हुआ 34,500 के पास बेचिए, ये स्पोर्ट के भाव है, सपोर्ट 34,200-34,000 तक आ सकता है, ऊपर में रेजिस्टेंस 34,700-34,850, सेल ऑन राइज रहेगा, यदि ऊपर के भाव में भी मिले तो ऊपर बेच सकते हो 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के और 400 से 500 पॉइंट के लिए। ये बैंक निफ्टी का मूविंग एवरेज है, ये आप नोट कर लेंगे। इसमें भी देख लीजिए एवरेज जो है 50 डे मूविंग एवरेज 24,329-24,377, 34,300 के पास तो बंद ही दिया, 335 के पास 324 का बंद दिया है, तो ठीक ही है। ऊपर में 35,112 और 35,366 तक जा सकता है टच करने के लिए, लेकिन कल मुझे वो उतना नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है बाजार है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेचना चाहिए, सेल ऑन राइस, कोई डरने का बात नहीं है इसमें। थर्सडे 7 जुलाई 2022 के लिए बैंक निफ्टी 34,500 का कॉल नेक्स्ट वीक वाला, जहां घटे हुआ 310 के पास लीजिए, सपोर्ट 228-170। अब गैप अप ही खोल दे तो मौका नहीं मिलेगा, तो ऊपर में रेजिस्टेंस जाएगा 443-490-525, सेल रेंज उसका रहेगा 525-575 और 700 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, 700 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 575 के पास बेचते हो तो आपको 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 525 के पास बेचते हो तो 200 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 230 के लिए, यानी 525 के पास बेचते हो तो 230 के लिए 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा। थर्सडे 7 जुलाई 2022 के लिए बैंक निफ्टी 34,500 का पुट नेक्स्ट वीक वाला है, जहां बड़े हुआ 625 के पास बेचिए, रेजिस्टेंस 740 का रख दीजिए,
और सपोर्ट 430, 325, 270, बाइंग रेंज रहेगा 270 से 220 के रेंज में, और वहाँ से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस यानी 150 से 120 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। और इनकेस गैप अप भी खोल दे तो आप बाइंग के लिए स्टार्ट रहिएगा 270 से 220 का रेंज में और 150 से 120 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रजिस्टर ऊपर में 740 तक जा सकते हैं। If you like our stocks level Nifty, Bank Nifty stocks and option level and data analysis, please press like, share and subscribe our YouTube channel. यदि आपको मेरे Nifty, Bank Nifty और stocks और option level और data analysis अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा please like, share and subscribe जरूर से करें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं वो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। यदि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स और ऑप्शन लेवल पर ट्रेड लेने से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेकर ही मेरे स्टॉक्स लेवल पर काम करें। यदि आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है इसका जिम्मेवार मैं या मेरा चैनल नहीं है। This slides video is for educational learning purpose only. Any query, WhatsApp number 9830555353. Thank you for watching our channel. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र जी।